जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया ने धोली धूप स्थित विमंदित पुनर्वास बाल गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मिली अनियमितताओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए तुरंत प्रभाव से इनके निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को धोली धूप स्थित छीतरमल लाटा सोसाइटी के विमंदित पुनर्वास बाल गृह पर किए गए निरीक्षण के दौरान अनेकों खामियां मिली। प्राधिकरण सचिव दिनेश जलुथरिया और सदस्य मनोज कुमार ने निरीक्षण में पाया कि वहां मौजूद 33 बच्चों के लिए मात्र एक ही स्नानागार है और कमरों में दीवारों से चूना झड़ रहा है। वहीं दुर्गंध का वातावरण नजर आया और कर्मचारियों में 18 में से 9 ही उपस्थित मिले। इस पर गंभीरता पूर्वक नाराजगी जाहिर करते हुए संचालक को सख्त हिदायतें दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर की निरीक्षण टीम द्वारा आज धोरीधूप स्थित विमंदित गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इसमें 33 बच्चे पंजीयक थे और 33 बच्चे वहां उपस्थित मिले। वहां पर 18 लोगों का स्टाफ है जिसमें से 9 लोग वहां उपस्थित मिले, बाकी 9 कर्मचारी नदारद थे। धुलाई साफ सफाई तो थी विमंदित गृह के अंदर, लेकिन वहाँ का कमरे जिन कमरों के अंदर बच्चे रहते हैं वहाँ का प्लस्तर उखड़ा हुआ है और बदबू वहाँ उन कमरों के अंदर आई हुई, तो उनको निर्देशित किया गया कि इसके अंदर स्पेशल स्प्रे है ना, इसका छिड़काव किया जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई संक्रमण फैलने की आशंका से बचाया जा सके। एक वहाँ स्नानागार है और वो एक ही है, तो इसके लिए पहले भी उनको निर्देशित किया गया था कि आप बच्चों की संख्या के अनुरूप के अंदर स्नानागार की व्यवस्था करें। अभी भी वही स्थिति है और अभी भी एक ही स्नानागार के अंदर 33 बच्चे नहाते हैं, तो इसमें स्पष्ट है कि बच्चों को खुले के अंदर नहलाया जाता है। इसके अंदर भी उनको स्पष्ट निर्देशित किया गया और वहाँ का प्लस्तर और जो उखड़ा हुआ उसको सारा दुरुस्त किया जाकर और रहने लायक वहाँ का माहौल बनाया जाए। अरे तुम तो सब अच्छे गायकार हैं।